हेलो दोस्तों, नमस्कार। टेक्निकल शोभन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो कोई रिपेयरिंग की वीडियो नहीं होने वाली है, जैसे कि बेसिकली आज ये अनबॉक्सिंग की वीडियो होने वाली है हमारी। देखिए, जो मैंने कंपोनेंट मंगा रखे है वो है HNS कार से। मैंने कुछ कंपोनेंट मंगा रखे हैं। अभी बिल्कुल भी मत समझना कि मैं किसी का प्रमोशन कर रहा हूं, मैं बस बेसिकली आपको दिखा रहा हूं कि मैंने कंपोनेंट मंगाए थे, कहां से मंगाए, क्योंकि कंपोनेंट मुझे काफ़ी सस्ते मिले। अगर आपको भी इस प्रकार के कंपोनेंट की ज़रूरत हो तो आप भी इस साइट पे विजिट करके ले सकते हैं, लेकिन जो भी आप सामान लेंगे अपने रिस्क पर लेंगे। ये साइट काफ़ी सस्ते कंपोनेंट हमें दे रही थी, इसलिए मैंने परचेज़ किया। बेसिकली ये अनबॉक्सिंग की वीडियो है दोस्तों, अभी तक मैंने इसको खोला नहीं। अगर कोई कंपोनेंट नहीं आए हो तो उसके लिए भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं इसका प्रमोशन आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, हो सकता है आपकी मतलब की चीज़ भी इसमें हो, ठीक है। सबसे पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं दोस्तों। फट गया, चलो इसको ऐसे रहने देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से इस प्रकार से कपड़े से काट लेते हैं दोस्तों, और यहाँ से भी इसको काट लेते हैं। ये देखिए हमारा ये ओपन हो चुका है, ठीक है। जैसे कि आपने साइट का नाम देख लिया, सबसे पहले इसका ये इनवॉइस टाइप का कुछ है, देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें दोस्तों दो तीन पेज हमें देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए HNS कार्ड कोई वेबसाइट है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर लिखे गए हैं मैंने क्या क्या आइटम मंगा रखे हैं, पूरी डिटेल, यानी कि ये बिल है दोस्तों, ठीक है। काफ़ी सस्ते रेटों में उन्होंने हमें प्रोवाइड करा रखे हैं कंपोनेंट। अगर आपको भी इस प्रकार के कंपोनेंट हो तो आप भी इस साइट में जा सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। लेकिन जो भी आप यहां से सामान ले वो अपने रिस्क पर ले, मेरे कहने पर बिल्कुल भी मत ले। अगर आपको लेना है तो आप कुछ थोड़ी क्वांटिटी में ले सकते हैं, देखने के लिए कि आपके पास सही टाइम पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए एक बार हम ये तो हमें इनवॉइस तो हमें मिल गई है, ठीक है। एक बार हम कंपोनेंट चेक भी कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या कंपोनेंट उन्होंने भेजा है। अगर कोई शॉर्टिंग होगी तो हम फिर वहाँ के कस्टमर केयर से सब वो करेंगे, कॉन्टेक्ट करेंगे, ठीक है। देखिए पैकिंग इनकी काफ़ी अच्छी है, जहाँ तक आप लोग देख पा रहे होंगे पैकिंग बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने कर रखी है। ऊपर से ये कंपोनेंट हमारे टूटे फूटे ना, तो इस प्रकार की पन्ने भी इसमें लगा रखी है, ठीक है। अब सबसे पहले एक बार हम मिला लेते हैं कंपोनेंट को, जो जो हमने मंगा रखे थे क्या 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 वो सब आ रखे हैं कि नहीं आ रखे हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक सबसे पहले यहाँ से निकल लिया दोस्तों, हीटसिंक ट्यूब मैंने मंगा रखी थी 1 mm की, ठीक है। ये बहुत जगह काम आती है हमारी, ठीक है। इसको हम रख देते हैं साइड में। अब नेक्स्ट कंपोनेंट हम देख लेते हैं। ये मैंने कुछ रजिस्टर मंगा रखे थे दोस्तों, जैसे कि 560 kΩ। मैं एक बार मार्क भी करते जाता हूँ साथ साथ में, ताकि हमें पता चलता रहे कि जो हमने सामान मंगा रखा था वो आ रखा है कि नहीं आ रखा है बिल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 560 kΩ की रजिस्टर मंगा रखे थे मैंने क्वार्टर वाट में, वो मुझे मिल चुके हैं, ठीक है। कितने के मिले हैं अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो तो मैं आपको बता दूंगा कि कितने के मिले हैं, ठीक है, रजिस्टर, ठीक है। इसको भी हम साइड में रखते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ये कौन सा मिला हमें, 22 ओम का रजिस्टर क्वार्टर वाट में, ठीक है। तो 22 ओम देख लेते हैं हम एक बार, ये 22 ओम की है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, इसमें हमें मेंशन किया हुआ है पैकेट में कि कितने ओम का है, हमें इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, आप अपनी तसल्ली के लिए इसको चेक कर सकते हैं, तो फिर भी इसमें लिखा गया है, ये सबसे अच्छी बात है, ठीक है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, ये देखिए दोस्तों मैंने रजिस्टर ही ज़्यादा मंगा रखे है, 1K का है कि यहाँ पर 1K है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ यही था कि अगर कोई शॉर्टिंग होती है मैं कंपनी पे वापस इसकी कंप्लेंट डाल सकता हूँ, और साथ ही साथ आपको पता भी चल जाए कि मैंने क्या क्या मंगा रखा है और मुझे कैसा ये मिला हुआ है, ठीक है। ये देखिए आप, जी मैंने कुछ SMD LED मंगा रखे हैं, ये देखिए ये 3 वोल्ट की है, ये देखिए 3 वोल्ट 1 वाट की आ गई हमारे पास, 100 मंगा रखे दोस्तों मैंने। मैंने बेसिकली चेक करने के लिए इस वेबसाइट से मंगाए थे, ताकि देखना था कि इस वेबसाइट में अगर इतने सस्ते कंपोनेंट है तो क्या ये टाइम से डिलीवर भी करेंगे नहीं करेंगे, कोई शॉर्टिंग तो नहीं आएगी, इसीलिए चेक करने के लिए मैंने यहाँ से बेसिकली मंगाए थे, ठीक है। अच्छे कंपोनेंट है और टाइम से भी हमें ये डिलीवर हो गए, ठीक है। यहाँ पर मैंने Red LED मंगाई थी 5 mm की, ये भी हमें मिल चुकी है, देखिए Red LED 20 पीस थी दोस्तों, ठीक है 20 पीस ही होगी, गिनने की ज़रूरत इसको है नहीं, ठीक है।
अब मैंने ये इस प्रकार के कनेक्टर भी मंगाए थे, ठीक है। इस जो भी सामान मैंने मंगा रखा है इसका दिवाली के लिए प्रोजेक्ट बनाऊंगा मैं आपके लिए, ठीक है। और ये बनाना सॉकेट कनेक्टर इसको बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, इसका भी प्रोजेक्ट मैं बनाऊंगा आपके लिए। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब आप कर सकते हो। एक ये मैंने मंगा रखा है पावर बैंक मॉड्यूल, इसमें देखिए कहाँ लिखा है पावर बैंक मॉड्यूल, देख लेते हैं एक बार हम। ये देखिए 5 वोल्ट माइक्रो, ये आ गया हमारा पावर बैंक मॉड्यूल, ठीक है। 1 पीस मैंने मंगा रखा था, ठीक है, ये मुझे 39 का पड़ा दोस्तों, ठीक है। एमआरपी मैं आपको बताता हूँ 39, ठीक है, यानी कि 39 का ही मुझे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो चलिए आप कुछ ग्रीन मैंने 5mm की LED मंगा रखी थी 20 नोज, ये भी 20 नोज ही होगी आई थिंक, हाँ 20 नोज ही है, ये भी हमें मिल चुकी है, ठीक है। ये ऑर्डर करने के बाद दोस्तों ये मुझे 4 से 5 दिन में मिल गया था। ये देखिए मैंने 450 वोल्ट 2.2 UF के कुछ कैपेसिटर मंगाए थे, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, ये देखिए ये भी मुझे मिल चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें दोस्तों। मैंने एक तो ये 3 वोल्ट की होगी दोस्तों, अभी यहाँ पर पता नहीं क्या क्या कोड लिखा है समझ में नहीं आ रहा है, एक तो 3 वोल्ट की होगी और दोनों में इन्होंने सेम लिखा है देखिए, तो इसमें एक 3 वोल्ट की होगी और एक होगी 9 वोल्ट की, ठीक है। मैंने दो दो मंगाए थे, एक बार मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ, इसमें पता चल जाएगा हमें, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो आपको भी पता होगा कि किस प्रकार से हमें SMD को चेक करते हैं, ठीक है। अगर नहीं अभी तक पता चल रहा आपको तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, ये देखिए, हाँ दोस्तों ये है 9 वोल्ट की, ये 9 वोल्ट की है, ठीक है। इसको देख लेते हैं, ये होनी चाहिए 3 वोल्ट की, ये SMD भी कुछ अलग ही है, साफ साफ तो दिख नहीं रहा अभी इसकी, चलो ठीक है, अभी ये दिख नहीं रहा मुझे दोस्तों क्योंकि इसका इतना डार्कनेस है ना इसमें, इसमें पता नहीं चल पा रहा। इसको मैं मल्टीमीटर से चेक करूंगा कितने वोल्ट के है, ठीक है, मैं आपको पहले बाद में बता दूंगा, लेकिन हाँ ठीक है दोनों मुझे SMD मिल चुकी है। अब देखते हैं आगे क्या छूट गया हमारा, ये है दूसरा रजिस्टर दोस्तों, अब इसमें क्या लिखा है भाई, चलो ठीक है जो भी है मिल गए हैं, देख लेंगे इसको बाद में, चेक करके देख लूँगा दोस्तों मैं, ठीक है। और कुछ मैंने कुछ मैंने डायोड भी मंगा रखे थे, ये देख सकते हैं आप, पता नहीं इसमें क्या इन्होंने कोडिंग लिखी है, इसमें ये मेरी समझ से बाहर है, ठीक है, पता नहीं क्या लिखा है, जो मैंने मंगाया था इसमें वो तो है नहीं सही, इसमें एक बार देख लेता हूँ खोल के, 4007 मैंने इसको मंगाया था, इसमें एक बार देख लेता हूँ कौन से मुझे डायोड मिले हैं, ठीक है, बाहर हो सकता है कुछ और लिखा हो, इसमें देख लेते हैं एक बार वैल्यू इसकी, सही है दोस्तों वही है I1N4007 ही है, ठीक है। तो इसमें बाहर पता नहीं क्या लिखा था समझ में नहीं आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। और कुछ रजिस्टर मैंने और मंगा रखे थे 33 ओम, ये देखिए 33 ओम का भी मुझे मिल चुका है, ठीक है। सब मैंने 50-50 पीस मंगाए थे दोस्तों, और MRP की बात जहाँ तक की जाए, अब ये क्या है 160 ओम लिखा है इसमें शायद, 160 ओम तो मैंने मंगाया था, कुछ और हो सकता है दोस्तों क्योंकि समझ में भी नहीं आ रहा, देखो 60, चलो इसको भी मैं चेक कर लूँगा अगर बाद में, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देख लेते हैं 22 ओम का हाफ वाट में ये रजिस्टर है, देखिए 22 ओम भी मंगा रखा था मैंने, ठीक है। और कुछ येलो LED मैंने मंगाई थी, ठीक है, ये भी मिल चुकी है। और इसके बाद मंगाया था मैंने एक ये दोस्तों, ये है लिथियम आयरन बैटरी को चार्ज करने के लिए उसका होल्डर, ठीक है, तो आप भी मंगा सकते हैं इसमें, एक बार में 3 हमारे जो लिथियम आयरन सेल होते हैं वो इसमें चार्ज हो जाते हैं, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, ठीक है, ये भी मिल गया। जो सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, मैंने ये एक चीज़ मंगा रखी मैंने, आप लोग देख सकते हैं इसको, ठीक है, ये क्या है, ये भी हमें मिल चुका है, ठीक है, टोटल 20 आइटम, ठीक है, एक बार हम आइटम को भी गिन लेते हैं। ये है दोस्तों डिजिटल मल्टीमीटर, ठीक है, सॉरी डिजिटल वोल्टमीटर हम इसको बोलते हैं दोस्तों, ये
वोल्टेज बताता है। इसी दोस्तों इसी से मैं बनाने वाला हूँ वोल्ट मीटर, जो हमारी SMD LED को चेक करेगा कि कितने वो वोल्ट की है, ठीक है, जिससे आपको SMD LED चेंज करने में बहुत ही मदद मिलने वाले है, ठीक है। तो वीडियो को जरूर देखिएगा, आने वाले समय में मैं डालूंगा, ठीक है। उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप कर लीजिए, ठीक है। तो एक बार मैं आइटम गिन लेता हूँ कितने हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो चलिए जहाँ तक वो सही है, कंपोनेंट मेरे सारे आ चुके हैं दोस्तों। काफ़ी अच्छी इनकी सर्विस है और काफ़ी अच्छे से इन्होंने कंपोनेंट मुझे टाइम से डिलीवर कर दिए हैं और सबके उसमें वैल्यू भी लिखी है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब अगर आपको इस प्रकार के कंपोनेंट खरीदने हैं तो आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं। हाँ, मैं किसी का प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने अपने लिए परचेज किया था मैंने वो आपको दिखाया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने रिस्क पर इसको मंगा सकते हैं और यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, हाँ इतना जरूर बोलूँगा प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे हैं और जो सामान हम मंगाते हैं वो टाइम से ये कंपनी दे देती है, ठीक है। HN कार्ड आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर इनका कंपनी का नाम है और इस प्रकार का ये बिल आपको इनवॉइस बना के देते हैं पूरा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, 4 पन्ने उन्होंने दिए हैं इस प्रकार के। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइए। जो तो बने रहे हमारे चैनल के साथ और सपोर्ट करते रहिए इसी प्रकार से। और भी सवाल हो इस पार्सल से संबंधित या आपको सामान मंगाना हो, कोई कंफ्यूजन हो रही है, तो मुझे कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट करिएगा, मैं आपके सवालों का जवाब दे दूंगा, ठीक। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।